हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू सेट अप योर फैशन स्टोर के दूसरे पार्ट में आपका वेलकम। पिछले पार्ट में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के कि कितना खर्चा आता है, कुल आपकी शॉप का साइज़ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी सवालों को हम आज इसमें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपकी शॉप को बनाने में टोटल खर्च और साइज़ में आपको टोटल डिटेल इस वीडियो में पता चलेगी। यदि साइज़ की हम बात करें तो 11 फीट चौड़ाई और 20 फीट, या फिर आप मान सकते हैं 21 फीट कॉलम को मिला के, बीम को मिला के 21 फीट इसकी लंबाई है। तो 11 बाई 21 की ये शॉप है। अब देखिए, हम बताते हैं आपको किस तरह से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। देखिए, यदि आप एसेसरीज़ भी रखते हैं, कैप हो गया, चश्मे हो गए, या फिर सॉक्स हो गए, बेल्ट पर्स, या फिर अपने परफ्यूम्स हो गए, तो स्टार्टिंग में शॉप में आप इस तरह से लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका पूरा रैक आ जाएगा, जिसमें आपके सारे कपड़े, सारी जीन्सेस, टी शर्ट्स वगैरह आप रख सकते हैं। उसके बाद आप ये टेबल देख सकते हैं, टेबल का साइज़ आपको मिलेगा 24 इंच बाय 6 फिट लगभग ये रहेगी, ठीक है। टेबल के टॉप पे आप ग्लास का सेटअप आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद हम आगे देखें तो नीचे भी आप पूरा बॉक्सेस जमा सकते हैं, ऊपर भी पूरा बॉक्सेस जमा सकते हैं, 7 फिट के ऊपर और नीचे से 1 फिट तक। यदि इस रैक की हम बात करें तो एक चैनल आएगी, जिसके साथ दो एंगल्स भी आएंगे, जो कि एक डबल वाला आता है, एक सिंगल वाला। कोने पे सिंगल वाला लगता है और सेंटर में डबल वाला लगता है। इसके ऊपर ग्लास पूरा फ्लैट रखा जाता है, जिसके ऊपर आप कपड़े रख सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग लगभग आपको, अगर आप इस शॉप में एक पूरे वॉल कवर करते हैं, तो 20 से 22 हज़ार रुपये पड़ती है, ठीक है। पूरा ग्लास आएगा, कम से कम 12 mm आप ले सकते हैं, 8 से 12 mm के बीच में। उसके बाद हम आगे चलें तो जो पहले ये रैक चलती थी लोहे की, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें पूरा लोहे का ही सिस्टम है, ग्लास का कुछ काम नहीं रहेगा। ये वाली चैनल भी आप लगा सकते हैं, ये थोड़ी कॉस्टली नहीं पड़ती है, सस्ती ही पड़ती है। अब किसी भी एक लेफ़्ट या फिर राइट कॉर्नर में 4x4 का आप ट्रायल रूम बना सकते हैं, साइज़ कम है तो, और छोटा कर सकते हैं। ट्रायल रूम के अंदर आप कैटलॉग्स वगैरह लगा सकते हैं, अंदर एक तरफ ग्लास लग जाएगा, उसके गेट पे आप ग्रास लगा सकते हैं, ग्रास से सामने से लुक काफ़ी अच्छा आएगा। ग्रास पे आप कुछ भी हैंग करके अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींच सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चप्पल और जूतों का सेटअप आप कैसे कर सकते हैं। ऊपर अपन ने सारे डब्बे जमा दिए, नीचे डब्बे जमा दिए। उसके बाद आप ये एक रैक देख सकते हैं, जो कि वॉकर के काम आता है। टॉप पे एक एंगल लग जाएगा, जिस पे आप स्लीपर बद्दी वाली टांग सकते हैं। अब इसमें जो यूज़ होता है पाइप, पूरा स्टील का होता है, आप लोहे का भी बनवा सकते हैं, स्टील की लाइफ अच्छी है। वॉकर के लिए आप देखेंगे दो डंडी ऐसी लगेगी, जिसके अंदर इजीली वॉकर आपकी टिक जाएगी। बीच में सपोर्ट देने के लिए आप इसको बनवा सकते हैं। ये स्टैंड आपका लगभग 1100 से 1200 रुपये में रेडी हो जाएगा, इंक्लूडिंग पाइप एंड इंक्लूडिंग वेल्डिंग लेबर एक्सेट्रा। ऊपर आप पूरा इसमें वेल्डिंग करवा के मजबूती के साथ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ऊपर आपने बद्दी वाली स्लीपर लगा दी। अब ये देखिए, नेक्स्ट में हम चलें तो सैंडल्स, सैंडल्स वगैरह के लिए आप इस तरह से एक रॉड मिलती है, काफ़ी सस्ती रॉड आती है, वज़न अच्छा ले लेती है। ये अपने पास मिल जाएगी आपको, आप हमारे दूसरे वीडियो चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब इस तरह के हैंगर से आप इस पर ईजीली टांग सकते हैं, जो कि बाहर से काफ़ी अच्छा लुक आपको देती है। इसके बाद हम बात करें शूज़ का सेटअप। शूज़ के सेटअप के लिए बैकग्राउंड में पूरा ग्रास रहेगा, आप नीचे नीचे 1.5 फीट में बॉक्सेस जमा सकते हैं। ग्रास के ऊपर एक ये शू क्लिप लगेगी, जिसके ऊपर इस तरह से आप शूज़ रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक ये आपको शॉप पे देगा। एक ग्रास काफ़ी सस्ती आती है, 40-45 रुपये स्क्वायर फीट, और शू क्लिप भी अपने पास मिल जाएगा आपको, 40 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। नीचे आपने पूरा सेटअप कर दिया शूज़ के बॉक्स का। अब हम आगे चलते हैं, या आपने ऊपर भी देख लिया, पूरा 7 फीट के ऊपर आप बॉक्सेस जमा सकते हैं। यहाँ पे ग्लास लग जाएगा आपका शॉप के सेंटर में। शॉप के सेंटर में ग्लास होने से पर्सन कुछ भी पहन के देख सकता है। अब ये देखिए, एक ये स्टैंड आएगा, जिसके ऊपर आप पूरा अपना स्टफ़, टी शर्ट्स हो गई, जैकेट्स हो गए, ये सब यहाँ पर टांग सकते हैं। टी शर्ट्स वगैरह खोल के दिखाने में काफ़ी इशू आता है, तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छे लुक के साथ इसको यहाँ पर टांग सकते हैं। ये सारे हैंगर्स वुडन फिनिश में आएंगे, ऊपर नीचे अलग अलग साइजेस आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये स्टैंड आप देख लीजिए, स्टील का बनेगा, इसकी कॉस्टिंग लगभग 2000 रुपये के लगभग आपको पड़ेगी, पाइप वगैरह और विथ लेबर एंड वेल्डिंग चार्जेस। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस थी तो डबल लाइन अपन ने बना दी है,
अब ये देखिए, ग्लास पे जो है, ग्लास पे आप सेंटर में शूज़ वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं वैक्यूम की मदद से। उसके बाद आप दोनों साइड टी शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह, जीन्स कुछ भी हैंग कर सकते हैं। एक बार आप पूरा ओवरव्यू देख लीजिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये पूरी शॉप का फर्नीचर का हम माने तो 1 से 1.5 लाख रुपए फर्नीचर का बजट है, जो कि पूरा सेटअप आपको अच्छे से करके दे देगा।